नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट उत्कर्ष जोशी आपको स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपने सबसे पहली खबर में हम बात करेंगे इसरो के द्वारा डेवलप किए जा रहे ग्रीन प्रोपेलेंट के बारे में। आपको पता होगा कि विगत 6 दशकों से कन्वेंशनल जो हमारा रॉकेट फ्यूल है वो हाइड्रोजन बेस्ड होता है, जो कि हाईली टॉक्सिक होता है और कार्सियोजेनिक होता है, यानी कि उसके द्वारा कैंसर होते हैं। तो इसरो ने डिसाइड किया है कि वो आगे के मिशंस के लिए एक इससे बेहतर और ग्रीनर प्रोपेलेंट बनाएगा। यह प्रोपेलेंट हाइड्रोक्सिल अमोनियम नाइट्रेट पर बेस्ड होगा और इसके लिए जितने भी टेस्ट किए जाने हैं वो स्टार्ट भी हो चुके हैं और इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट इसरो को मिल भी रहे हैं। क्योंकि हाइड्रोजन की जो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत ही हाई होती है, इसलिए विगत 6 दशकों से इसको प्राइमरी प्रोपेलेंट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। पर इसका एनवायरनमेंट पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, इससे हेल्थ हैजर्ड होते हैं और इसको स्टोरेज, ग्राउंड हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन में भी कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। वहीं इसरो के द्वारा डेवलप किए जा रहे HAN बेस्ड प्रोपेलेंट एक मोनोप्रोपेलेंट है, यानी कि इसमें ऑक्सीडाइजर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, जिस प्रकार के प्रोपेलेंट का इस्तेमाल सैटेलाइट थ्रस्टर में किया जाता है या ऑर्बिटल करेक्शन या ऑर्बिटल ओरिएंटेशन कंट्रोल में किया जाता है, कुछ उसी प्रकार का यह भी एक मोनोप्रोपेलेंट केमिकल प्रोपल्शन फ्यूल होने वाला है। इस HAN का कंपोजिशन की बात की जाए तो अमोनियम नाइट्रेट, मिथेनॉल और पानी इसमें होगा। मिथेनॉल का इस्तेमाल इसमें कंबशन इनस्टेबिलिटी को रोकने के लिए किया जाता है और अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल इसमें इसलिए किया जा रहा है कि इसको काफ़ी अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है, इसके बर्न रेट को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है और जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है प्रोपेलेंट का वह भी काफ़ी नीचे है। एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर फ्यूचर डायरेक्शन इन प्रोपल्शन कहा जाता है, उसमें एक पेपर के प्रेजेंटेशन में यह चीज निकल कर सामने आई है। अभी फिलहाल में HAN बेस्ड मोनोप्रोपेलेंट के काफी टेस्ट किए जा रहे हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के, थर्मल डीकम्पोजिशन को देख के और इसका अलग अलग मेटल्स पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इस सारी जानकारी के बाद ही इसको इसरो आगे के टेस्ट के लिए रॉकेटों में डालने का प्रयास करेगा। बात करते हैं GSAT-11 की, जो की 5.7 टन का भारत का एक नेक्स्ट सैटेलाइट होने वाला है, जिसका लॉन्च अभी कुछ दिनों पहले टल गया था और इसको वापस भारत बुला लिया गया था। इसका जो लॉन्च है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी एरियन स्पेस के द्वारा किया जाना था, पर इसरो को बाद में ऐसा लगा कि इस पे और भी टेस्ट कुछ करने होंगे, सैटेलाइट पे और भी टेस्ट करने होंगे, इसलिए इसको वापस बुला लिया गया था और इसका लॉन्च टल गया था। तो इसरो के चेयरमैन के सिवन का कहना है, टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 17 मई तक इसके जो भी इलेक्ट्रिकल टेस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट के जो टेस्ट हैं, वो कंप्लीट कर लिए जाएंगे और उसके बाद एरियन स्पेस को यह बताया जाएगा और डिस्कस किया जाएगा कि अगली लॉन्च की कौन सी डेट हो सकती है। आपको पता होगा कि GSAT-6A से जो हमारा कम्युनिकेशन लिंक टूटा हुआ है, आज तक टूटा हुआ है, 29 मार्च को यह लॉन्च किया गया था, उसके बाद इससे कम्युनिकेशन नहीं हो पाया था, तो इसरो को ऐसा लगा कि इसमें कुछ कमी रह गई है जो कि GSAT-11 में भी हो सकती है, इसलिए उसने वापस उसको बुला लिया था और उस पर अलग अलग प्रकार के फिर से टेस्ट किए जा रहे हैं, जो कि 17 मई तक कंप्लीट होने की संभावना है। GSAT-11 की बात की जाए तो इसमें 40 ट्रांसपॉन्डर होंगे KU बैंड और KA बैंड फ्रिक्वेंसी पे, जो कि 14 GB पर सेकेंड की डेटा ट्रांसफर स्पीड देंगे और यह ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए, जो सुदूर क्षेत्रों में भारत के ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कमजोर है, इसको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी में चेंज करने का इसरो का एक प्रयास है। वहीं GSAT-6A से इसरो का भी कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाया है, पर इसरो उससे कम्युनिकेट करने में लगी हुई है, कोई अपडेट होगी तो मैं जरूर आपके साथ साझा करूंगा। आर्मी ने 1500 करोड़ के एम्युनिशन प्रोडक्शन प्रोजेक्ट को फाइनलाइज कर दिया है। इस प्रोजेक्ट में भारत को एम्युनिशन के क्षेत्र में स्वावलंबी बनाने के लिए, यानी कि इंडिपेंडेंट बनाने का प्रयास है, जिसमें भारत की 11 प्राइवेट फर्म को आइडेंटिफाई किया गया है जो कि इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट में काम करेंगी और भारत में जितने भी हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं उसके एम्युनिशन को भारत में ही डेवलप किया जाएगा, भारत में ही बनाया जाएगा, ताकि वॉर के समय किसी दूसरे देश पे डिपेंडेंसी ना हो। इस प्रोजेक्ट का टारगेट रखा गया है 10 सालों का और इस प्रोजेक्ट में जो कॉस्ट लगने वाली है वो 15,000 करोड़ की लगने वाली है। हर चीज इसमें फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के थ्रू किया जाएगा। आपको पता होगा कि विदेशों से कोई भी सामान खरीदते वक्त हमें बहुत ज्यादा समय लग जाता है, तो इस समय को दूर करने के लिए, इस समय की बर्बादी को कम करने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। कैक की एक रिपोर्ट में निकल कर सामने आया था कि 152 एम्युनिशन के वेरिएंट्स में से केवल 61 का ही हमारे पास स्टॉक है, जिससे यदि कोई लड़ाई हो जाए तो केवल हम 10 दिनों तक उस लड़ाई को लड़ पाएंगे। पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के मुताबिक
लगभग एक महीने तक की लड़ाई लड़ने तक का हथियार एम्यूनिशन भारत के पास होना चाहिए। शुरुआत में ये एम्यूनिशन रॉकेट सिस्टम के लिए, एयर डिफेंस सिस्टम के लिए, आर्टिलरी गन के लिए, इन्फेंट्री कॉम्पैक्ट व्हीकल में जो भी एम्यूनिशन इस्तेमाल किए जाते हैं उनके एम्यूनिशन के लिए और ग्रेनेड लॉन्चर के एम्यूनिशन के लिए प्रोडक्शन प्लान बनाया जा रहा है और यह एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन के अंतर्गत प्रोड्यूस किया जाएगा और इसके बाद अन्य एम्यूनिशन पे भी काम किया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि कुछ 10-15 सालों से इन चीजों पर बात होती आ रही थी पर सरकार किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच रही थी और अब जाके इसको फाइनलाइज कर दिया गया है। सो अब अगले 10 सालों में भारत के अंदर ही उसके पूरे एम्यूनिशन बनाए जाएंगे और टाइमली डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी। दोस्तों 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं और बोनस खबर हमारी चाइना की तरफ से आ रही है। चाइना के द्वारा डेवलप किया गया वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्फीबियस एयरक्राफ्ट 2022 तक तैयार हो जाएगा और 2021 में उसको सिविल एविएशन अथॉरिटी से सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। इस एयरक्राफ्ट का नाम जो रखा गया है AG-600 रखा गया है और इसको चाइना की एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना बना रही है। 2017 के दिसंबर में इसका सबसे पहली उड़ान चाइना में हुई। इसका साइज कहा जाता है कि बोइंग के 737 के बराबर है और जो इसकी रेंज है वो 4500 किलोमीटर की है। इसको 2 मीटर की पानी के वेव पर भी आसानी से उतारा जा सकता है और ये 50 लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकती है, यानी कि मैरीटाइम सर्च या रेस्क्यू मिशन में 50 लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। और यदि इसका इस्तेमाल जंगल की आग को बुझाने में किया जाए तो यह 12 मीट्रिक टन वाटर 20 सेकंड में ही खींच सकता है, अपने अंदर ले सकता है फायर फाइटिंग ट्रिप्स के लिए। चाइना के स्टेट मीडिया के मुताबिक दिसंबर में इस प्रकार के प्लेन की 17 ऑर्डर चाइनीज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने और चाइनीज कंपनीज ने ऑलरेडी दे दिया है और यह उनके मुताबिक कहा जा रहा है कि 2022 से इसकी डिलीवरी भी स्टार्ट कर दी जाएगी। इस प्लेन को पावर देने के लिए 4 टर्बो प्रोप इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है और यह पिछले 8 सालों से डेवलपमेंट फेज में है, यानी कि पिछले 8 सालों से इस एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे, इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं जो कि आपका स्पेस और डिफेंस ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।